जय हिंद साथियों, मैं राजकुमार यादव आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर के आया हूँ जो शाम को 7 बजे प्रसारित होती है। इसमें मैंने आपको दूसरा चैप्टर इसमें चल रहा है जिसमें आपको संधि पढ़ा रहे हैं। संधि में आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि मैंने पढ़ा चुके हैं। इसमें मैं आज आपके लिए विसर्ग संधि स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, विसर्ग संधि को विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आने से जो विकार होता है, यानी विकार मतलब होता है परिवर्तन होता है, ठीक है, जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन कोई भी आ जाता है से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, सॉरी स्वर नहीं विसर्ग कहते हैं। इसके प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। नंबर एक में नियम है, देखो, यदि विसर्ग के आगे सा 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 तीनों सा यानी सीटी सा और पेटची रसा और सा सफेरा आए तो क्रम से सा 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 में बदल जाता है। यहाँ पर देखिएगा, ये पूरा सा है, ये आधा सा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब हम सा लिखते हैं तो आधा सा और प्लस का छोटा, ठीक है, तब हमारा क्या बनता है, पूरा सा बनता है, ठीक है। तो यदि विसर्ग के आगे सा 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 आए तो क्रम से सा 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 में बदल जाता है, यानी पूरा का आधा हो जाता है, ठीक है, पूरा का आधा हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। हाँ, ये आ गया आपका, जैसे कि दिया हुआ है नि धन संक, ठीक है, नहीं यहाँ पर देखिएगा, अभी मैंने बताया था विसर्ग के आगे अगर सा या सीटी सा दिया है ना तो आधा सा हो जाता है। अभी दिया था ना क्या, अगर सा के आगे यहाँ पर कोई विसर्ग दिया है इधर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आधा सा बन जाएगा, ठीक है। तो नी तो रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो नी लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर विसर्ग और यहाँ पर सा मिलने से तो विसर्ग ही चेंज होगा, ये तो सेम रहेगा। देखो संघ के पीछे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे विसर्ग किसमें चेंज होगा, आधा सा में विसर्ग चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला देखते हैं, दूधन शासन, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए दू लिखा हुआ है, उसके बाद में विसर्ग है, विसर्ग किसमें चेंज होगा, जो यहाँ पे सा है तो विसर्ग किसमें चेंज होगा, आधे सा में हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। विसर्ग का चेंज होकर के यहाँ पर आधा सा कर दिया गया है, बाकी तो सब सेम है, ठीक है। आगे देखते हैं निहि धन संग, ठीक है, तो यहाँ पर संग सा सफेरा बना है, तो यहाँ पर क्या आधा सा है, ये सीटी सा में नहीं चेंज होगा भाई, अगर ये दिया हुआ तो इसी के आधे सा में चेंज होगा, तो नी लिखा हुआ है, तो यहाँ विसर्ग के बदले में क्या दिया, आधा सा दिया हुआ है और संग है, ये संग लिखा हुआ है, ठीक है। निधन संदेह, निसंदेह, तो यहाँ पर भी देखिए नी लिखा हुआ है, उसके बाद में हलंत जो विसर्ग दिया है, विसर्ग में विसर्ग यानी सा दिया है, तो आधा सा यहाँ पर भी हो जाएगा। आगे देखते हैं निधन शब्द, तो यहाँ पर भी देखिएगा यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के आगे अगर सा आ गया है ना तो हमें आधा सा में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साई शब्द तो पूरा रहेगा, पीछे शब्द देखो पूरा है आपका, यहाँ पर भी नी पूरा हुआ है, इधर नी पूरा है इधर, तो यहाँ पर विसर्ग के बदले में क्या है, सा आया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें दिया हुआ है नी धन स्वार्थ, तो यहाँ पर भी देखिएगा यहाँ पे क्या आधा सा दिया हुआ है, ठीक है, अब तो आधा तो पहले से दिया, क्योंकि अगर यहाँ पे आधा नहीं होता तो चेंज करते, तो आधा तो दिया हुआ है तो हमें चेंज कुछ नहीं करना, सीधा विसर्ग ही हटा दे रहा है, क्योंकि आधे सा बदलेगा तो आधा सा तो पहले ही चेंज हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद में चलिए आगे देखते हैं दूसरा रूल क्या कहता है इसका, यदि विसर्ग से पहले छोटी या छोटा उ, छोटी ई या छोटा उ हो तो बाद में रा आए, विसर्ग के पहले छोटी और छोटा उ हो और बाद में आधा रा आए तो विसर्ग को लोप कर दिया जाता है, और छोटी और तथा छोटा उ दीर्घ में बदल जाता है। देखिए छोटी है ये बड़ी हो जाएगी, छोटा हुआ ये बड़ा हुआ हो जाएगा,
और उसके बाद में उसके आगे अगर आधा रा आता है तो रा बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर विसर्ग के आगे क्या दिया हुआ है, रा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर किस में चेंज होगा, यहाँ पर हमें क्या छोटी और छोटा हुआ है। ठीक है, तो विसर्ग का लोप करना है, यानी विसर्ग खत्म करनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखिएगा यहाँ पर छोटी है ना, यहाँ किस में बड़ी हो जाएगी, बड़ी में चेंज हो गया। ठीक है, रब पीछे ले गया, नी रब, विसर्ग का लोप कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए नी धन रोग, तो यहाँ पर भी देखिए रा दिया हुआ है, तो रा में तो इसमें क्या दिया है, विसर्ग लोप हो जाएगा, छोटी की मात्रा है उसमें बड़ी में चेंज हो जाएगी, नी रोग हो जाएगा। यहाँ पर नी धन रस, तो नीरस हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा इसका रूल देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ तीसरे रूल में, यदि विसर्ग के आगे च छ, च और छ, ट ठ और ता थ आए तो विसर्ग सा 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 में बदल जाता है। च छ ट ठ त थ आए तो विसर्ग सा 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 में बदल जाता है। जैसे कि नी के आगे त आया तो किस में सा में बदलेगा। ठीक है, तो किस में बदलेगा, अगर देखिए ता आया तो किस में सा में बदलेगा, ता और था आएगा तो यहाँ पे क्या है, निस्तार हो जाएगा। दूधन चरित, देखिए यहाँ पे चाचा आया है तो किस में बदलेगा, चाचा वाला किस में बदलेगा, सा में बदलेगा, टाठा वाला पेट पेट की रसा में बदलेगा, उसके बाद में ताथा वाला सा सपेरा में बदलेगा। ठीक है, तो दूधन चरित, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या है, विसर्ग हट जाएगा, उसके बदले क्या है, आदर्शा बन जाएगा, तो दुष्चरित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं नी धन छल, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छाया चा छाया तो सी टी सा बदलेगा तो निश्चल हो जाएगा आपका। यहाँ पर धनु धन टंकार, ठीक है, तो यहाँ पर टा दिया हुआ है तो टा के लिए हम किसे बदले, पेठी दिशा बदलेंगे तो रहेगा तो आधा ही, तो यहाँ पर विसर्ग हटा देंगे। यहाँ पर देखिए धनु लिखा हुआ है, पूरा धन यहाँ पर भी लिखा हुआ है, टंकार यहाँ लिखा हुआ है, टंकार यहाँ से यहाँ तक टंकार लिखा हुआ है, और पेटची ये है ना, पेटची रेसा है ना, तो ये किसके बदले में आया, हमारे विसर्ग के बदले में मिला हुआ है। ठीक है, नी धन ठोर, तो यहाँ का निष्ठुर हो जाएगा तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। चलिए अगर अगला रूल देखते हैं, यानी विसर्ग के बाद का ख पा फ रहने पर विसर्ग में कोई विकार नहीं होता, यानी का ख पा फ आया तो विसर्ग चेंज नहीं होगा, जैसा होगा वैसा ही होगा। जैसे प्रातः प्रातः धन काल, यहाँ पे काल विसर्ग के आगे क्या हो गया, का आ गया तो प्रातः काल सीधा लिख दिया। पै धन पान, देखिएगा यहाँ पर विसर्ग के आगे क्या आ गया, पा आ गया, यानी का ख पा फ आ जाए। ठीक है, तो पै पान। अंता धन करण अंताकरण, ठीक है, रज झन कड़ तो रज कड़, ठीक है, यहाँ पर का आया, का ख पा फ रूल आए तो विसर्ग में कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसा है वैसा दिया जाता है। अगला है, देखिएगा नेक्स्ट रूल क्या दिया हुआ है, यदि विसर्ग से पहले छोटी छोटा हो तो आगे किसी भी वर्ग के प्रथम दो अक्षर छोड़कर कोई भी व्यंजन या स्वर हो तो विसर्ग का रा और सा सा का सा सा हो जाता है। देखिएगा तो यहाँ पर कोई भी व्यंजन, यहाँ पर देखिएगा किसी भी वर्ग के प्रथम दो अक्षर, जैसे कि वर्ग पांच होते हैं भाई, इससे का वर्ग है, का वर्ग है, उसके बाद में चा वर्ग है, उसके बाद में टा वर्ग है, उसके बाद में ता वर्ग है, उसके बाद में पा वर्ग है। तो यहाँ पर दिया हुआ है इसका क ख ग और घ और यहाँ पर च छ ज और झ और वहाँ,
उसके बाद में टा ठा ड ढा ळा, फिर उसके बाद ता था द धा न, फिर उसके बाद पा फा बा भा मा। ठीक है, तो यहाँ पर बर के दो अक्षर शुरुआत में जो ये दिए हुए हैं ये छोड़ दिए जाते हैं, उसके बाद में अन्य कोई व्यंजन के बाद में ये व्यंजन आते हैं या स्वर आता है तो विसर्ग का र और स, स का सा सा हो जाता है। देखिएगा निधन जर, यानी यहाँ पर भी देखिएगा यहाँ पे जा आया है, दो अक्षर इसमें छोड़ दिए गए हैं तो क्या हो जाएगा, ये विसर्ग का रा हो जाएगा, आधा रा हो जाएगा तो निर्जर हो जाएगा। निधन झर, देखिएगा यहाँ पर झा आया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रा ऊपर निकल जाएगा तो निर्जर हो जाएगा। निधन गुड़, यानी देखिएगा यहाँ पर गा आया है तो गा, ये तो वर्ष छूटे हुए हैं, गा यहाँ पर आया है तो क्या हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर भी गा आया है तो यहाँ पर क्या, दुर्गुण हो जाएगा। दुधंजन, यानी यहाँ पर जा आया तो दुर्जन हो जाएगा। निधन भय, यानी निर्भय हो जाएगा। बहिधन मुख, ठीक है, यानी पावर का आया है तो बहिर्मुख हो जाएगा। उसके बाद विसर्ग के आगे क्या आया, स्वर आया है, फिर भी क्या हो जाएगा, ये किसमें बदलेगा, आधा रा में। अब आधा जब देखिएगा आधा रा में हम उसके बाद में छोटा जो बड़ा जोड़ देंगे तो हमें पूरा रा मिल जाएगा ना, तो हमें क्या, निधनाशा यानी निराशा। दूधन उपयोग, देखिएगा यहाँ पर छोटा हुआ है, छोटा हु में ये किसमें, आधा रा है तो आधे रा में चढ़ाएंगे तो हम ऐसी मात्रा चाहते हैं ना, तो दुरुपयोग हो जाएगा। दुधन भाग्य, यानी दुर्भाग्य हो जाएगा। दुधनशील, दुशील हो जाएगा। निधन संदेह, निसंदेह हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें, दुधन शासन, दुशासन हो जाएगा। निधन अर्थक, निरर्थक हो जाएगा। देखिएगा नोट में क्या दे हुआ है, दुख में विसर्ग का कोई विकार अर्थात परिवर्तन नहीं होता है। उसका नया रूल है, विसर्ग से पूर्व यदि छोटा आ और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा सॉरी पांचवा नहीं तीसरा चौथा यार अलावा हा हो तो विसर्ग ओ हो जाता है। देखिएगा ईसर यस धन गान, ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ पे गा दिया हुआ है, किसी वर्ग का तीसरा है, का वर्ग का तीसरा है, यानी का खा ग किसका है, का वर्ग का है, का खा ग तीसरा है ना, यहाँ पे तीसरा कह रहा है तो तीसरा दिया हुआ है तो यहाँ पर देख विसर्ग का ओ हो जाता है तो यशो गान। अध धन गति, अधो गति। मन धन बल, देखिएगा यहाँ पर पाफा ब, पाफा ब यानी पावर का तीसरा आया ब, तो यहाँ पर क्या इसमें भी विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा तो मनोबल हो जाएगा, मनो मना धन भाव, मनोभाव हो जाएगा। वय धन वृद्धि, यानी वयो वृद्धि हो जाएगा। वय धन वृद्धि यानी वयो वृद्धि हो जाएगा। मन धन हर, यानी हा आया है तो इसका ओ हो जाएगा तो मनोहर हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा। पय धन द, पयोध सर धन जो सरोज। मना धन विकार, मनोविकार। तप धन, धन तप धन, धन यानी तपोधन, विसर्ग का ओ हो जाता है। चलिए विसर्ग के पूर्व छोटी छोटा उ हो तो आगे का ट प फ ठ हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। दूधन काल, ठीक है, यानी का आया है ना, यहाँ पे का इसने बोला है तो यहाँ का आ जाएगा पेट जीरा सा आधा हो जाएगा दुष्काल।
नी धन कपट, देखिए फिर का आया है तो यहाँ पर निष्कपट हो जाएगा, नी धन कलंक फिर का आया है तो निष्कलंक हो जाएगा, धनुर्धन टंकार यानी धनुष टंकार हो जाएगा, नी धन पाप यानी निष्पाप हो जाएगा, चतुर्धन पढ़ चतुष्पर्श हो जाएगा, नी धन फल निष्फल हो जाएगा, दु धन फल दुष्फल हो जाएगा। आगे देखते हैं, विसर्ग के पूर्व छोटी छोटा उ हो तो आगे चा या छा तथा ता था हो तो विसर्ग का क्रम से सा सा हो जाता है, नी धन चल तो निश्चल, नी धन चय निश्चय, नी धन छल निश्चल, नी धन तेज निस्तेज, और दुहुधन तर दुस्तर। अब इसमें कुछ हिंदी के भी दिए हुए हैं जो बिल्कुल सीधे के सीधे आते हैं, जब तब कब सब और अब आदि शब्दों के अंत में या पीछे ही आने पर हा को भा में बदल दिया जाता है और बा को बा का लोप हो जाता है। देखिएगा, जब प्लस ही यानी जब ही बा का लोप हो जाएगा और हा भा में बदल जाएगा, ठीक है, तब यानी तभी, कब यानी कभी, सब यानी सभी। चलिए आगे देखते हैं, बस क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, आपकी विसर्ग संधि भी ख़त्म हो गई है। मैं कल आपके वो संधि का टेस्ट करवाएंगे, इसमें एग्जाम पहली बार तो टेस्ट तो बाद में लेंगे, उसके बाद उससे पहले हम इसमें प्रैक्टिस सेट में जो भी प्रैक्टिस के लिए संधि विच्छेद के लिए वर्ड दिए हुए हैं वो कल से स्टार्ट करेंगे, आपके संधि विच्छेद कराएंगे। जब वो ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद में मैं आपको इसके जो संधि का टेस्ट है वो कराएंगे। सभी दोस्तों को धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री राम। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।